अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आज बहुत टाइम बाद कैमरे के सामने आ रहा हूँ, बहुत टाइम से वीडियो कोई नहीं की थी। तो असल में हमें कॉलेज बंद हो गए थे और सर्दियाँ थी, सर्दियों की छुट्टियाँ हैं और मैं आया हूँ अपने गांव चलीवन, और आज यहाँ पे कोई काम है नहीं तो मैं कुछ अपना पढ़ रहा हूँ और कुछ मतलब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, असल में ट्यूशन करा रहा हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ने में और पढ़ाने में, बच्चों को कुछ नए अंदाज से पढ़ने को मिल रहा है और मैं भी कुछ चीज़ें उनसे सीख रहा हूँ। कुछ प्रैक्टिकली हम असल में ज़्यादा प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं, प्रैक्टिकली हर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं। और आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन मैंने बच्चों का रखा है कि हम थोड़ा मतलब दीन के बारे में सीखें और बेसिक्स ऑफ दीन जो है वो सीखें। तो आज हम वही सीखने वाले हैं। बच्चे अभी आएंगे, उनके साथ बहुत बातें करेंगे, उनके क्वेश्चन जो होंगे उन पर बात करेंगे। तो एक और बात थी, हमारे सुहेब भाई हैं, इन्होंने डोडा में स्पोकन इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट किया है, 40 डेज़ का होगा। ये ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा और इंशाल्लाह 20 या 21 से जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक जो है ये एडमिशन का प्रोसेस रहेगा। तो जहाँ वो पढ़ा रहे हैं बड़ी खूबसूरत जगह है, मुझे खुद बहुत मन कर रहा था जाने के बाद, मैं यहाँ पे हूँ पढ़ा रहा हूँ और खुद भी पढ़ रहा हूँ तो मैं जा नहीं पाऊँगा, मैं ऑनलाइन ही ज्वाइन करूँगा इंशाल्लाह। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी थी दिखाने के लिए कि कैसा है पूरा उनका जो सिस्टम है वहाँ पर, मैं आपको वीडियो आगे दिखा दूँगा इसी व्लॉग में। तो जो वहाँ पे जो फर्स्ट 40 जो स्टूडेंट्स होंगे जो एनरोल करेंगे या रजिस्टर करेंगे उनको 50% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 4000 का कोर्स है और 2000 उनको पे करना पड़ेगा जो ऑफलाइन क्लासेस के लिए जाएंगे, और जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए जाएंगे उनको मतलब 1500 मतलब पर स्टूडेंट देना पड़ेगा। और अगर मेरे व्लॉग से जाएंगे क्या पता कुछ डिस्काउंट मिल सकता है सुहेब भाई की तरफ से। और दूसरी बात, अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए होगी कोर्स के बारे में कि क्या होगा वहाँ पे सब कुछ, मैं वीडियो में एक लिंक दे दूँगा फेसबुक का, वहाँ पे एक इंटरव्यू है उनका तो आप वहाँ से सुन सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहेगा मुझे उम्मीद है। तो देखते हैं अब कैसा रहता है, जो उनने इन्वायरमेंट बनाया वहाँ पे वो बड़ा ज़बरदस्त है, इंशाल्लाह बच्चे सीखेंगे कुछ ना कुछ। तो मैं आपको वो आगे क्लिप दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ से। बाकी जो भी चीज़ होंगी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन का भी और जो वीडियोस वगैरह है उसका भी। आप कांटेक्ट उनके साथ करें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। सुहेब भाई सलाम अलैकुम, वी आर हियर इन द क्लासरूम विद मेहरान भाई। मेहरान भाई से सलाम अलैकुम। सो यस, इट्स द नाइट टाइम, इट्स 4:10 एट नाइट। वी आर हियर फॉर यू आर बिलव्ड फ्रेंड, you are at your home enjoying the time, enjoying the chilly winter. Well, let me tell you something about this class. This is where the students would sit. This is where the if we are allowed to call this portion of this hall as stage, this is the stage. You can see the grand master is sitting on the sofa, checking his mobile phone. Let's go near to him and check his smile. What a sweet smile this is. So, we'll be starting these classes from 21st of January 2024. Yes, we are in the year 2024 and we will be doing these classes. Awesome, right? Let me show you this part. Exciting. This is where our debate groups would sit. One team would sit here. Another team would sit opposite to them. And they would be debating on an issue. Any topic that would be given to them, they would be debating on that. So,
interesting exercise to learn English. And let me show you this little group of students. Six students can, three students from this side and three students from on this side would sit on this table, and they would be given a topic and they would discuss on that topic. Not debate, but discussion. There are different rules for discussion and there are different rules for debate. Okay? Debates would be done here. Discussions would be done here. And that's the place. Right there is the place where the students would be given the opportunity to speak. So they could deliver what they are holding inside of them. It's going to be interesting as well. So yes, I think we would love to have you on here. लेकिन आपके एग्जाम्स चल रहे हैं भाई साहब, तो क्या ही कर सकते हैं. बस यही था, ये हमारा ये वाला पोर्शन हमने रखा है भाई. दिस पोर्शन इज डेडिकेटेड फॉर द एडमिशन प्रोसेस. यहाँ पर एडमिशन वाले लोग बैठेंगे, जो पेरेंट्स वगैरह आएंगे उनके लिए ये चेयर्स हैं, वो यहाँ पर बैठेंगे. जो एडमिशन करा रहे होंगे वो इन चेयर्स पर बैठेंगे, और जो एडमिशन कर रहे होंगे वो इन चेयर्स पर बैठेंगे. आप देख सकते हैं, दिस इज वेयर द थिंग्स वुड बी डन. सो आई थिंक वी आर डन. आई टोल्ड यू एनफ रिगार्डिंग द वर्कशॉप. थैंक यू सो मच. आप ख्याल रखें अपना. सलाम अलैकुम. मैं इसको धक्का देता हूँ, मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ? ठीक है, मैंने इसको फोर्स लगाई और ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा. ये क्या हो गया, इससे क्या हुई, इसकी ये मोशन में गया और इसकी पोजिशन चेंज हो गई. तो इससे गलत या ठीक है मतलब फर्क करे, मतलब सुच में बोल जैसे मैं पता चोर करें से गलत पता चल बस एम क्या बनाओ मुझे क्रिएटर के मिशन है दुनिया में बनाए मतलब कोई प्लांट अनलिमिटेड मिलियंस बिलियन ट्रिलियन जिलियंस मतलब वारा प्लांट्स. ठीक है, तो हर प्लांट पर अल्लाह ताला कुरान में वन कि इस प्लांट पर पुत्र पेवान वसित. ठीक है, सह पे अल्लाह ताला सन मर्जी हूँ वह अकी हल कह पुत्र पे दुनिया मे मतलब तीत ज्यादा अकिस सेकेंडस मे सह तुम हर अकिस सेकेंडस मे अल्लाह ताला तुम कंट्रोल कर अम आ अल्लाह ताला हर सेकेंड तुम्हें क्या ना क्या खान कितने कीम आ दुनिया मे कत जानवर आत इंसान सोच अल्लाह ताला सारे अर्थस पे तरह सिर्फ सोन अर्थ. ठीक है, अर्थ वह सोचो यह अर्थ क्या मई है अगर अच्छे वह इतना बोर्ड यूनिवर्स सोच अल्लाह ताला पूरे यूनिवर्स कंट्रोल कर कूत खतरनाक अल्लाह ताला. हम नमाज पढ़ने आ गए थे, आज बड़ा ज़बरदस्त ईमान ताज़ा हो गया, बहुत ज़बरदस्त बयान हुआ आज मस्जिद में. तो नमाज वमाज ख़त्म करके हम आए हैं यहाँ पे खाने, कुछ इसको बोलते हैं कश्मीरी में सस वगैरह. तो हम आए हैं सस वगैरह खाने. नो सक्सेस वीर फ्लैग. ये जो वगैरह होता है असल में ये होता है एक किस्म का मतलब खुशी, लोग इसको बनाते हैं ताकि मतलब जो उनके रिलेटिव्स वगैरह हों गांव वाले हों सारे आके खाएं और थोड़ी एक किस्म की मोहब्बत बांटना. तो इसको ऐसे लिया जाता है, ये कोई सदका वगैरह नहीं होता. अगर हम देखें साइंटिफिकली इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं. इसमें सबसे पहले तो मक्की डाली जाती है, मक्की को पीस के उसके बाद इसमें दालें जो भी किस्म की होती है 7 की 8 दालें डाली जाती है. इसमें राजमा होती है वगैरह वगैरह बहुत सारी किस्म की होती है.